अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस समय लद्दाख में और मैं हूं आपका मेज़बान फिरोज़ खान। नाज़रीन, हम आपको बताते चले 14 सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप का आज आखिरी मैच यहां पे खेला जा रहा है। गुज़श्ता 8 दिनों से ये मैचेस यहां पे चलाए जा रहे थे, 11 तारीख को इसकी आगाज़ की गई थी। हम आपको बताते चले टुकुल बिल यहाँ पे 27 टीमों ने सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप में यहाँ पे हिस्सा लिया था। हम आपको बताते चले आज यहाँ पे सुबह जो फाइनल मैच है वो यहाँ पे दो टीमों के दरमियान फीमेल्स की टीमों की जो मैच है वो यहाँ पे खेली गई थी, जिसमें से वखा मूलबेग और डाउन हिल जो करगिल की जो मेन टाउन की टीम है उसने हिस्सा लिया था, जिसमें से 3 गोल करते हुए वे जो डाउन हिल जो टीम है वो यहाँ पे जीत चुकी है। और इस वक्त जो फाइनल जो मैच है मेल्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पस्क्यूम और द्रास के बीच में जो मैच है वो यहाँ पे होने जा रहा है। काफ़ी रोमांचक मैच यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों जो टीमें हैं वो अपने आप में ही काफ़ी ज़बरदस्त टीमें हैं, क्योंकि पस्क्यूम की जो टीम है रिसेंटली लेह में भी आइस हॉकी मैच जहाँ पे आईडीबी की टीम के साथ जो मैच था वहाँ पे खेल के आई है। तो इसके बाद यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो फाइनल से वो यहाँ पे कौन जीतता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो इस वक्त करगिल के खीर सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद हैं, और जो दर्जे हरारत है वो इस वक्त -20 यहाँ पे चल रहा है। फिर भी लेकिन लोगों का जो जुनून है वो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम आपको बताते चलें जो फाइनल मैच है अब यहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं। कारगिल जिला के फैरोज अहमद खान साहब का डिपार्टमेंट न्यूज सर्विस स्पोर्ट्स की जानिब से वेलकम करता हूँ, कुछ आमंत्रित करता हूँ। जिला वाला इतने मसरूफियत के बावजूद अपने कीमती वक्त निकाल के आज के हमारे इस कॉलेजन फंक्शन के मौके पर तशरीफ लाए, साथ ही साथ में जितने भी ऑफिसर ऑफिशियल आए आप सबका वेलकम करता हूँ, खुश आमंत्रित करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 14 सीसी आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि 11 जनवरी से शुरू हुआ था सर, इसमें टोटल 27 टीमों ने हिस्सा ली। उनका हौसला अफजाई करें और इस मैच का आनंद लें। और इसके साथ एक बार फिर आप सभी का खास कर आपकी मेहमान खिलाड़ियों पश्चिम में और आज फाइनल मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने है। बहुत ही लंबी शूट टेढ़ी गई थी, यहाँ पर से स्लैप शॉट मारने की कोशिश कर ली थी, आगे की तरफ निकल गई थी और 88 नंबर 10 नंबर के बीच ब्लू लाइट आ गया। बहुत कठिन और वसा मुल्क है टेबल टीम की मारे टीम और
सिर्फ आज के इस गेम के मतलब चंद अहम बातें आपसे कहना चाहूंगा, वो ये है कि जिस तरह से आइस हॉकी गेम को लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो शौकीन में और जो प्लेयर्स में जो दिलचस्पी बढ़ी है वो वाकई एक काबिल तारीफ है। उसके लिए मैं तमाम प्लेयर्स का, तमाम क्लब्स का और हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। आज फख्र से हमारा सर ऊंचा होता है जिस तरीके से यहाँ बेहतरीन खेल हमें देखने को मिला इन बेहतरीन दो टीमों का। इससे अब हमें जाहिर होता है कि हम यूटी लेवल पर भी नहीं बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल पर जाके मुकाबले में हम हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए मैं तमाम प्लेयर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा और खासकर आज के दोनों टीम जिसमें से बिलखसूस 14 CC कप 2023 के चैंपियंस पश्चिम ए को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा और साथ साथ हमारे विनर्स ड्राफ्ट वॉरियर्स को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि भी उन्होंने भी बेहतरीन खेल का नजारा किया। हार जीत जो है वो जो है गेम का एक हिस्सा होता है। इसी तरह हमारे वुमेन्स में हमारे आज इस साल के चैंपियंस डाउन हिल्स के प्लेयर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा और साथ में जो वुमेन्स वखामुल के टीम है जो रनर्स रहे उनको भी बहुत बहुत बधाई। आइस हॉकी टीम के बारे में के मतलब दो तीन चीजें आपसे कहना चाहूंगा, वो ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक लेवल पे आइस हॉकी रिंग्स बन रहे हैं जिसमें हमारे दो बड़े रिंग्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रिंग्स एक कुरपथंग में हमारा सिविल वर्क जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज आपकी टीम जीती है तो क्या फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत फख्र हो रहा है कि मुझे अपने प्लेयरों पे इतना फख्र हो रहा है। बिना गाँव में बिना ग्राउंड के हम यहाँ खेलने के लिए आया था, आज विनर अब रहा हमारा टीम। मुझे अपने सारे प्लेयरों पे इतना फख्र हो रहा है। गोली पे तो हमें बहुत फख्र हो रहा है, ऐसा गोली मैंने आज तक किसी टीमों में भी नहीं देखा था। मैं अपने गोली को अपने तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ और पूरे टीम को मुबारकबाद देता हूँ। कितने वक्त से इस चीज़ की तैयारी चल रही थी आपकी? हम 15-20 दिन से तैयारी चल रहे हैं। हमारे पास ग्राउंड भी नहीं है, बिना ग्राउंड के प्रैक्टिस के हम ग्राउंड में निकल चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मेरा नाम सिद्दीका बानो है और मैं डाउन हिल कारगिल की ओर से खेलती हूँ। आज हमारी टीम यहाँ पर विनर रहा है तो हमें बहुत खुशी मिल रहा है कि हम यहाँ पर विनर रहे इस साल, क्योंकि पिछले साल हम वखमुल बेग की टीम से ही हारे थे तो इस साल हम उसी टीम से हम जीत चुके हैं तो हमें बहुत खुशी मिल रही है और हमें ये महसूस हो रहा है कि हमने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किया है और करने की भी ज़रूरत है ताकि हमें आगे आइंदा और मतलब आगे जाके और अच्छे से खेल पाए। किस तरह की तैयारी थी आपको इस 14 CC कप को लेकर? जी हमने तकरीबन एक महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारे पास जहाँ पर रिंग की कमी थी उसको हमारे कोच इम्तियाज सर ने पूरा करके हमें एक इंडोर रिंग बनाया था। हमने उसी में ही प्रैक्टिस करके यहाँ पर खेला है सीसी कप। इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारे सिलेक्शन हो चुका है एलजी कप के लिए तो हम एलजी कप खेलने के लिए ले जाएंगे और वहां पर भी कोशिश करेंगे कि कारगिल को रिप्रेजेंट करके अच्छे से खेले और जीत कर वापस आए। तो नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि 14 CC आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है इस वक्त पश्चिम की जो टीम है पश्चिम वो जीत चुकी है और ये मैच जो है सुबह लगभग 8:30 के आसपास ये मैच यहाँ पे शुरू किया गया था और यहाँ पे
दो टीमों के दरमियान जो फाइनल मैच है जो फाइनल से पहुंची थी वो थी द्रास और पश्चिम। पश्चिम ए जो है वो इस वक्त यहाँ पे जीत चुकी है 3-1 से, ये मैच जीत चुकी है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो विनर अब जो टीम है पश्चिम की वो इस वक्त मेरे पीछे मौजूद है और इस वक्त हजारों की तादाद में जो स्पेक्टेटर्स है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और ये 14 CC एस हॉकी चैंपियनशिप अपने आप में ही काफी खास था क्योंकि इस बार लगभग 27 टीमों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था जिसमें से 24 जो टीमें थी वो बॉयज की थी और 3 टीमें गर्ल्स की थी। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं यहाँ पे गर्ल्स टीम में से जो डाउन हिल की जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पे फाइनल्स में पहुंची है। डाउन हिल की टीम भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। और इसके बाद हम आपको बताते चले यहाँ पे जो विनर टीम है उसे 50,000 और जो रनर टीम है उन्हें यहाँ पे 30,000 का कैश प्राइस यहाँ पे रखा गया है। -20 टेम्परेचर होने के बाद भी जो स्पेक्टेटर्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हमें उम्मीद है नेक्स्ट टाइम फिर और एक खास कवरेज के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।